हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका फिर से एक और न्यू वीडियो में। और कैसे हो आप सभी लोग? आशा करते हो कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज मैं आप सबके लिए एक और न्यू कहानी लेके आई हूँ। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। चार औरतें कुएं पर पानी लेने जा रही थी, तभी चलते चलते एक औरत ने बोला कि मेरा बेटा काशी पढ़ के आया है, बहुत ही विद्वान हो गया है। तभी दूसरी महिला बोली कि मेरा बेटा ने ज्योतिषी पढ़ी है, जो भी भविष्यवाणी बोलता है वो कभी खाली नहीं जाती है। तभी उन दोनों महिला की बात सुन के तीसरी महिला बोलती है कि मेरे बेटे ने बहुत ही अच्छी शिक्षा ली है, पास के गांव के एक विद्यालय में बच्चों को पढ़ाता है। तीनों महिला अपने अपने बच्चों की तारीफ कर रही थी और चौथी महिला चुप थी। तभी उन तीनों महिलाओं ने उससे पूछा चौथी महिला से कि बहन, हम अपने बेटों की तारीफ पर तारीफ किए जा रहे हैं कब से, लेकिन आपने अपने बेटों के बारे में एक लफ्ज तक नहीं बोला, ऐसा क्यों? तभी चौथी महिला बोली कि मेरा बेटा ना ही काशी पढ़ के आया है, ना ही विद्वान है, और ना ही ज्योतिषी पढ़ी है, ना ही कोई भविष्यवाणी करता है, ना ही अच्छी शिक्षा है। मेरा बेटा मेहनती है, दिन रात मेहनत करता है, खेतों में फसल लगाता है, बेचता है, फिर लगाता है, फिर बेचता है। मेरा बेटा मेहनती है। तभी तीनों के बच्चे, मतलब जब रास्ते में जा रही थी, मतलब चारों के बच्चे आ रहे थे, तो पहली महिला के जब बच्चा आया तो सभी को नमस्कार करके आगे चला गया। अपनी माँ की जो साथ वाली थी तीन, उनको भी नमस्कार किया। सभी को नमस्कार करते हुए ऐसे ही तीनों महिलाओं के बच्चे आगे बढ़ गए। तभी उस चौथी महिला का बेटा आया और बोला, क्यों आई पानी भरने? मैं ले आता, मुझसे बोल देती। और ये कह के उसकी माँ के सर पे जो घड़ा रखा था, मटका, उस मटके को उस बच्चे ने अपने सर पे रखा और फिर आया। तो दोस्तों, कहानी से निष्कर्ष क्या है ये समझिए आप। इस कहानी का निष्कर्ष क्या है? इस कहानी का निष्कर्ष ये है कि जीवन में शिक्षा ये सब कुछ नहीं है, अपने माँ बापों को ख्याल रखना भी जरूरी है। व्यवहार कमाइए, जो कि वो व्यवहार ऐसे नहीं मिल सकता, वो सिर्फ अपने माँ बाप का जो देखते हैं वही बच्चे भी करते हैं। आप अच्छा व्यवहार करेंगे उनके साथ तो वो भी अच्छे से रहेंगे, और वो जैसे 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 सीखेंगे वो आपसे ही सीखेंगे। तो शिक्षा ही जरूरी नहीं है जीवन में, आप कुछ भी कर सकते, लेकिन आपके अंदर संस्कार भी होना चाहिए शिक्षा के साथ साथ। सभी चीज़ों का होना जरूरी है। अच्छा व्यवहार कमाइए, शिक्षा भी लीजिए, और मतलब कुछ अच्छा संस्कार दीजिए आप भी अपने बच्चों को। तो दोस्तों, मेरी ये चार महिलाओं की कहानी और उनके चारों बेटों की कहानी कैसी लगी आपको, कमेंट करके जरूर बताना। और ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।